भारत में कई चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिर हैं, जिसमें दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भी शामिल है। भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का बेहतरीन उदाहरण है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में त्रिमाला पर्वत पर स्थित है और यह भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ त्रिमालक में निवास करते थे। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहां आकर तिरुपति बालाजी मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारी मंदिर के कई रहस्य हैं, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं, वो असली हैं। यह बाल कभी भी उलझते नहीं है और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान है। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में रखी है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह से बाहर आएंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। जी हाँ, अगर आप बाहर आते हैं और देखेंगे तो आपको ये चमत्कार देखने को मिलेगा। अब यह सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। मान्यता है कि भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित हैं, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। यह विशेष पत्थर से बनी है। यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान हो। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है, पसीने की बूंद आसानी से देखी जा सकती, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति उस गांव में प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित रहते हैं और नियमों का पालन करते हैं। जीवन व्यतीत करने के लिए ये कई कड़े नियम अपनाते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे फूल, दूध, दही, मक्खन आदि इसी गांव से आता है। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद अनुभव रहस्य समान है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में मां लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी में एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दिए में कभी भी तेल या घी नहीं डलता। यहाँ तक कि ये भी नहीं आज तक पता चला है कि इस दिए को सबसे पहले किसने प्रज्वलित किया था। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पंचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि यह कपूर किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय बाद दरारें आ जाती हैं, लेकिन भगवान तिरुपति बालाजी की प्रतिमा पर पंचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मंदिर में मुख्य द्वार के दरवाजों पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल अवस्था में इसी छड़ी से भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी पर चोट आ गई। तब से आज तक उनकी थोड़ी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। आपको बता दें कि इस मंदिर में धन, सोना, चांदी के अलावा बालों का भी दान किया जाता है। इस परंपरा के पीछे यह पौराणिक मान्यता चली आ रही है कि भगवान वेंकटेश्वर ने कुबेर जी से ऋण ले रखा है, जिसे उनके भक्त सोना, चांदी और केश दान करके चुका रहे हैं। कहते हैं कि जो भी मनुष्य यहाँ आकर अपने बाल दान करता है, उस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। यहाँ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी मन्नत पूरी हो जाने पर अपने केश दान करती हैं। अगर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है।
तिरुपति बालाजी मंदिर का सबसे करीबी हवाई अड्डा तिरुपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि तिरुपति शहर से मात्र 17 किलोमीटर और तिरुपति बालाजी से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिरुपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से तिरुपति शहर जाने के लिए आपको टैक्सी की सुविधा आसानी से मिल जाती है। तिरुपति शहर में आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन की सुविधा देखने को मिल जाएगी, जो मुंबई, हावड़ा, बेंगलोर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली जैसे तमाम शहरों से आसानी से जुड़ी हुई है। अगर आप तिरुपति बालाजी बस के माध्यम से जाना चाहते हैं या अपनी पर्सनल कार से जाना चाहते हैं तो रोड बहुत अच्छे बने हैं। आप बस या कार से आसानी से तिरुपति बालाजी मंदिर जा सकते हैं और बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।